इस मंदिर तो नर्मदा निकल के हूँ रिवर की शेप च आ गई है। घाट है ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਕੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈ ਕੀ ਬਗੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਨਰਾਈਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਨੇ ਵਾੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਹੈਗਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਡੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। लगता है मैं छत्तीसगढ़ के पै रहा है पता नहीं आई एम नॉट श्योर। उत्तों मैं मे बी 3-3.5 किलोमीटर पैदल चल के आया। एक इधर मंदिर बनाया है ना है त्रियंत्र मंदिर देखना वहाँ जा मंदिर च देवे इन्ना इंटरेस्ट है नहीं लेकिन हवा बड़ी प्यारी चल रही है मज़े आ रहे हैं पैदल चल के। जिन्हें पॉपुलर हिल स्टेशन या दूजे टूरिस्ट स्पॉट ने उन्होंने तो यह फार बैटर है। कोई शोर नहीं शराबा नहीं शांति सिर्फ चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। कंस्ट्रक्शन हो रही है लेकिन यह तो अच्छी लग रही है काफ़ी। इस पर सर्कुलर शेप आई है अंदर है मंदिर है क्या फोटो खिंचना मन है और बिल्डिंग पार्ट जरा बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह शंकराचार्य के मंदिर ने बहुत पुराने मेरे ख्याल 1000-1500 साल पुराने है। शंकराचार्य का टेंपल है जगन्नाथपुरी के टेंपल में लगा आर्किटेक्टर बढ़िया लग रहा है। अच्छा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है अच्छा मेंटेन किया है इन्होंने। मैं जा रहा एक जैन टेंपल बन रहा बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन लग रही है लार्ज स्केल पे। मैं लगता है इस एरिए सू अच्छा एंड वड्डे स्केल पे आई चीज़ बन रही लग रही है। उन्हें ना बैल मारी है लगता 12 बजे इन्हों का ब्रेक हो गया। अच्छा एडे लार्ज स्केल के काम जड़े ने रेल बनी आई है ये तो इन्हें हैवी पत्थर लेके जान कैरी करने वास्ते ईजी रह जाएगा। इतने गुरुद्वारा श्री गुरु नानक नर्मदा घाट एक उधर तो मेन गुरुद्वारा नानक श्री गुरु नानक सिख समिति
अपनी इंट्रोडक्शन दो। हाँ जी, मेरा नाम दलवेज सिंह है जी, बिलासपुर तो हूँ मैं। हाँ जी, तो इतने सेवा करने वास्ते कभी कदा ही आ जाना, 15 दिन 20 दिन ला जाना। अच्छा जी, 15 दिन मैं बिलासपुर रह जाना, 15 दिन इतने आ जाना। इतना इतिहास की है जी? आता इतिहास गुरु नानक देव जी इतने 1507 ईस्वी आए थे, कबीर भगत के नाल उन्होंने इतने मुलाकात हुई। अच्छा जी, कबीर भगत जी 1398 ईस्वी के जन्म होया, 1518 ईस्वी के ज्योति जोत समाए जी, 123 साल उन्होंने उम्र सी। हाँ हाँ, सतगुरु नानक देव जी मरदाने के नाल इलाहाबाद तो चित्रकूट तो होते होते इतने आए। हाँ जी, इतों फिर नर्मदा के नाल नाल जाके जबलपुर गए, जबलपुर कबे राक्ष का स्थान है जिसे गुवारी घाट, उतों केशवर तक गए, केशवर तो पार फिर गुजरात के दाखिल हो गए। अच्छा, इस रस्ते गए। तो इतने किन्ने दिन रुके थे? नहीं कुछ कह जा सकता जी किन्ने चिर वो रहे ने, क्योंकि किसान पता कि इतने रुके से। किसान पता चले गया रुके आए थे? पता चला इस तरह चलिया, गुरु नानक चमत्कार है भाई वीर सिंह उद्देश अमृत का फल आए। अच्छा अच्छा, जी पुरानी साखी है। हाँ जी, भाई बाले की जिसनों आप कहने भाई पैड़े जी ने लिखी गुरु अंगदास जी। हाँ जी हाँ जी, तो उस दे विच वी दा जिक्र गुरुद्वारा साहब कदों बने थे? ये गुरुद्वारे दे मैं असी कोई कह नहीं सकते पक्का जी कदों बने। अच्छा अच्छा, क्योंकि जिहड़ा स्थान है जदों भोपाल तों कढाया गया तो उस स्थान पर पता चलिया भी उसके उत्ते लिखा जी संपर्क विभाग के MP के विच हैगा, उसके विच लिखा होया कबीर मिलन सथली। की मतलब? कबीर मिलन सथली। अच्छा अच्छा अच्छा, गुरु नानक कबीर मिलन सथली कहने तो पाया सथली का स्थान है, तो गुरु नानक तो कबीर जी का जिते और कबीर चबूतरा भी बनया हुआ, उ गुरु नानक देव जी की याद है। ठीक है जी, मेहरबानी जी, थैंक।